मुख्यमंत्री जी और बड़े नेताओं का विशेषाधिकार है, वो मिल बैठ कर के फैसला लेते हैं और उसके हिसाब से कैबिनेट का विस्तार होता है। नहीं रहना और नेता विपक्ष के को घूमते रहना बाहर में, ये मैं समझता हूँ कि ये विरोधी दल के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बिहार को अपराधियों के हाथों में डाल देने का काम किया था, 17 महीने सरकार उनकी रही जाकर के, वहाँ पर फिलोटिन की रही जाकर के, तो उनका जो यात्रा है अस्तित्व बचाव यात्रा है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे जाकर के हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में, आपके साथ तेजस्वी सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं, तो वहीं बात करें तो बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में विपक्ष नहीं मौजूद है, इसको लेकर जो बिहार सरकार में मंत्री हैं श्रवण कुमार और प्रेम कुमार साफ तौर पर तेजस्वी यादव पर बरसते हुए दिख रहे हैं। पहले क्या कुछ कर रहे हैं, पहले सुनो उनकी बातों को। रहे हैं और जगह जगह ये कह रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू के बीच में दूरियां बढ़ गई है, कैबिनेट नहीं हो रहा है, ये सब परिणाम है। देखिए, बीजेपी और जेडीयू के बीच में कोई दूरियां नहीं बढ़ी है, बल्कि और संबंध गाढ़ा होते चला जा रहा है। और जहां तक कैबिनेट विस्तार का बात है, तो ये मुख्यमंत्री जी और बड़े नेताओं का विशेषाधिकार है, वो मिल बैठ कर के फैसला लेते हैं और उसके हिसाब से कैबिनेट का विस्तार होता है। थोड़ा इंतजार करने का, ये वह भी समय आ जाएगा जब कैबिनेट का विस्तार होगा। सर, सदन चल रहा है लेकिन विपक्ष की जो संख्या दिख रही है वो क्या कहेंगे, किस तरह से? नहीं, विपक्ष का तो जो भूमिका होना चाहिए सदन के अंदर वो नहीं है, सिर्फ सदन के बाहर जा जा के जनता के बीच में रो रो के यात्रा करके बताते हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, हमारे साथ नाइंसाफी हुई, ये बात घूम घूम के कहते हैं, तो उससे काम चलने वाला नहीं है। उनको तो जनता का सवाल को उठाना चाहिए, उनके तकलीफ को, उनके दुख को, उनके परेशानी को दूर करने के लिए जनता भेजी है विपक्ष में बैठने के लिए, तो उनको यात्रा करने के लिए नहीं भेजी है। और सदन बहुत महत्वपूर्ण है, आज ये जो सदन है ये बजट सत्र है, और बजट सत्र में नेता विपक्ष का नहीं रहना और नेता विपक्ष के को घूमते रहना बाहर में, ये मैं समझता हूँ कि ये विरोधी दल के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात। तो ये भी कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव की तैयारी कर रहे हैं नीतीश कुमार, ऐसा कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी कोई चुनाव की तैयारी नहीं करते हैं, नीतीश कुमार जी ऑलवेज तैयार रहते हैं, जो भी परिस्थितियाँ आती है, चाहे राजनीतिक परिस्थितियाँ आए, चाहे चुनाव की परिस्थितियाँ आए, चाहे सामाजिक जो कोई काम हो, उसके लिए नीतीश कुमार जी हमेशा तैयार रहते हैं और तैयार रह के जनता की खिदमत बिहार की करते रहते हैं। तो कह रहे सर विधानसभा भंग करना चाहते हैं मुख्यमंत्री और विधायक, विधानसभा चुनाव और अब तो वो कानून वही जानते हैं, नियम वही जानते हैं, देश की राजनीति को वही समझते हैं, सिर्फ और सिर्फ जनता में भ्रम पैदा करना चाहते हैं, इसके अलावा और उनके पास कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव लगातार चौरान में गए, तो उनके मंच पर मोहम्मद कैफ बंटी भी शार्प शूटर माना जाता है, कई मामलों में जेल भी गया, कई गंभीर आरोप उस पर, जिसपे हत्या के मामले भी हैं, उस पर आरोप है, और तेजस्वी के साथ मंच पर वो दिखा है, ताजुद्दीन का कथित सहयोगी माना जाता है। 15 वर्षों का जो आरजेडी का इतिहास रहा जाकर के है, क्या था, अपराधियों का राज था बिहार में जाकर, फिर सिर्फ से पुनरावृत्ति हो रही जाकर, जैसा सिवान के सभा में बताया आपने जाकर के है, एक खूंखार अपराधी जो एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ मंच पर लिखा है जाकर के, ये काफ़ी दुखद जाकर के है। और वैसे आरजेडी का इतिहास ही रहा जाकर के है, 15 वर्षों में बिहार को अपराधियों के हाथों में डाल देने का काम किया था, 17 महीने सरकार उनकी रही जाकर के, वहाँ पर फिलोटिन की रही जाकर के, तो उनका जो यात्रा है अस्तित्व बचाव यात्रा है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे जाकर के हैं, और पूरे देश में बिहार में मोदी लहर चल रही जाकर के, आने वाले समय में माननीय मोदी जी का अगुवाई में 10 वर्षों में उन्होंने बेहतर काम किया है, सेवा सुशांत गरीब कल्याण की योजनाओं को लागू किया है, उससे आम जनता में खुशी की लहर जाकर, जनता विकास चाहती जाकर के हैं। तो मैं मानता हूँ माननीय मोदी जी का 10 वर्षों का शासन काल जो है स्वर्णिम काल है, गोल्डन पीरियड रहा जाकर के, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो आपने कहा है कि उनके मंच पर अपराधी दिख रहे हैं जाकर के हैं, बिहार की जनता जानती है इन सबों का इतिहास रहा है, अपराधियों के साथ मिल गठजोड़ करके बिहार को लूटने का काम किया है, बिहार भय डर का माहौल बनाने का काम किया था, बिहार में जंगल राज आया छाया करके, उसकी फिर से पुनरावृत्ति करने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार की जनता सजग है, अब उनके झांसे में आने वाली नहीं है, फिर से बिहार में आएगी तो 2024 के चुनाव में पूरी की तरह 40 सीटों पर
एनडीए के प्रत्याशी विजयी होंगे, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार 400 के पार देश भर में होगी। सुना कि किस तरह से कह रहे हैं कि जो जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं इससे कुछ नहीं होने वाला है और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री और 400 पार होगा। और वहीं इस साफ तौर पर कहते हुए जा रहे हैं कि इन लोग हैं जो अपनी विरासत बचाने में लगे हुए हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला, जनता है जो बिहार की जान रही है। तमाम खबर बना न्यूज़ 24 के साथ।